क्या 10 महीने का मैंने ऑलमोस्ट 10 महीने इतना हुआ लॉन्ग। हाँ 10 महीने का है मेरी पूरी 10 महीने की मेहनत नीचे पड़ी हुई है ऐसे। एंजॉयमेंट का है या दुख का है, हम सब लोग जानवर हैं ना इसलिए। आज वेदर भी जो है बहुत सही है और उसके साथ ऐसा एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो तो क्या बात है। एंड कॉफ़ी ऑलरेडी पी लिया था तो अभी जो ये रैमन, ये आपको मैंने कल बताया था अपने ब्लॉग पे राइट, ये रैमन जो है ये मुझे बहुत पसंद है और मैं जब इसको स्पेशली ऐसे बनाता हूँ ना अपने तरीके से विद द ऑनियन सॉस, रेड ऑनियन सॉस और विद सनी साइड अप, तो जो बात ही बन जाता है। और कपड़ा धोना स्टार्ट है ऑलरेडी क्योंकि संडे, और मैं जैसे मैं बता रहा था कि कल आपको कल के ब्लॉग में कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले जो है आई वांट ये जो भी कपड़ा वगैरह है उसको मैं क्लीन कर लूँ, क्लीन करके रख दूँ, तो उसके बाद आने के बाद जो है ज़्यादा कुछ ना रहे। एंड हर तरफ जो है बहुत गाना चल रहा है बिकॉज आज इलेक्शन पोल रिजल्ट है, तो पता नहीं कोई आने वाला है या फिर कोई जाने वाला है या फिर जैसा चल रहा था वैसा ही चलने वाला है। बट आपको मैं जैसे लास्ट ब्लॉग में बता रहा था कुछ तो डेफिनेटली जाने वाला है, अभी वो कुछ रिलेटेड टू मी और क्या है वो आई थिंक अब तक तो शायद पता भी चल गया होगा थंबनेल और टाइटल देख के। वेरी एनी विच वे जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेगा तो आप देखते रहेंगे क्या जाने वाला है। आपने कभी अगर सुबह में नहीं देखा कि फायर क्रैकर से बर्स्ट किया जाता है तो ये है हैदराबाद पे, देखिए। और इसका पूरा जो श्रेय और रीज़न है वो एक ही चीज़ है, आज का जो इलेक्शन उसके लिए जो है ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं। ऑलरेडी इधर पे जैसे लग रहा है कि कांग्रेस ऑलरेडी काइंड ऑफ लीडिंग तेलंगाना, तो देखिए जस्ट लुक एट दैट। पॉलिटिक्स पे जाओ भैया कुछ भी हो सकता है। मैं इधर पे देख रहा हूँ इलेक्शन रिजल्ट कैसे क्या चल रहा है बिकॉज आज जो है सिर्फ एक ही स्टेट नहीं, मतलब सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, तेलंगाना के अलावा जो है छत्तीसगढ़ हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान एंड मणिपुर का एक्चुअली आने वाला था आज, बट आई थिंक कुछ है तो कल आएगा उसका रिजल्ट। तो ऐसा है सीन के इधर पे मोस्टली कांग्रेस जीत रहा है बट बाकी अदर स्टेट में जो है इस बीजेपी नो विच इज लीडिंग। बट या जो केसीआर की जो बीआरएस पार्टी थी तो आई थिंक वो कैसे भी तेलंगाना से धीरे धीरे जा रहे हैं, हालांकि मैं अपने पॉलिटिक्स का कुछ खबर रखता नहीं हूँ, बट ऐसे इलेक्शन रिजल्ट के टाइम इन्होंने कुछ मेजर डे पर तो देख लेता क्या है चीज़ है, क्योंकि ये भी आई थिंक ज़रूरत है जानना थोड़ा बहुत कि क्या चल रहा है देश में, तो ये इंपॉर्टेंट है बोल के ही मैं जो देखता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मुझे पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पर आपको क्या लगता है ये पूरे रिजल्ट के लिए क्या यू नो चेंजेस ये कितना बेनिफिशियल होगा या क्या नहीं है 2024 के इलेक्शन जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए, वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए अगर इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। फर्स्ट बात है जो मैं आलू फ्राई बनाऊंगा उसके साथ जो है तो राइस बन रहा है, इधर पर दाल भी बन रहा है, मैं ज़्यादा कुछ जो है कुछ बना नहीं रहा हूँ, इसके एक ही रीज़न है मेजर वो ये है कि मैं ट्रैवल करूँगा और कल बहुत हैवी खाया था तो मैंने सोचा एकदम सिंपल रखेंगे, चाल यू नो चावल डाल और जस्ट आलू फ्राई, दैट शुड बी इट। ब्रेकफास्ट भी हैवी करके रखा हो तो अभी इमीडिएट लंच का मन नहीं है, बट लंच करने के बाद फिर मैं निकलूंगा क्योंकि कुछ निकलने वाला है, कुछ जाने वाला है। आलू फ्राई भी जो है ऑलमोस्ट रेडी है और दाल भी हो ही है ऑलमोस्ट, राइस भी तैयार हो गया है, बस अभी टाइम है फॉर लंच। इससे बढ़िया खाना जो है ना कुछ हो नहीं सकता, ऐसे नॉर्मल सिंपल खाना जो है कैन मेक योर वीकेंड और एनी डेज इन द वीक यू जस्ट हैव दिस, जल्दी बन भी जाता है, जल्दी खा के जो एक सुकून भी आता है अंदर से। तो या मैंने अभी तक नहाया नहीं है जैसा आप देख रहे हो, मैं कभी जो है बिना नहा के जो है खाता नहीं हूँ, बट आज एक्सेप्शन है क्योंकि मैं जा रहा हूँ सैलून। यस ऑब्वियसली अब तक तो पता चल गया हो कि आज जो होने वाला है बालों का चॉप, और ये ऑलमोस्ट आफ्टर 10 मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड यू नो मैंने जो है ये रखा, सिर्फ ट्रिम करता था इन बिटवीन जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा मेरे पिछले वाले ब्लॉग पे, के अलावा जो है मैंने चॉप कुछ नहीं किया था, प्रॉब्ली हाफ इंच कभी कभी मैं उतना ही ट्रिम करता था, बट आज जो है फाइनली ये लेंथ छोटा का भी क्या है नहीं है वो आपको दिखेगा जो न्यू लुक, तो वो जो है फाइनली मैं चॉप करने वाला हूँ। और उसके बाद जो है बिकॉज कैसे मुझे पर शैम्पू होगा उसके बाद मैं कलर करके फिर घर में आके ही जो नहाऊंगा बिकॉज सैलून से आऊँगा ऑफिस नहाने पड़ेगा, इसलिए मैं डबल नहीं नहाऊंगा बिकॉज एक ऑलरेडी थोड़ा विंटर है जैसा माहौल है तो ठंड ना लग जाए, इसलिए जो है मैं एक ही बार नहाऊंगा, इसलिए अभी मैं खा के बस निकल जाऊँगा सैलून के लिए। एंजॉयमेंट का है या दुख का है, इमोशनल डैम इट। जो पार्टी इधर पे लेके खड़ा हुआ है एक्चुअली बीआरएस पार्टी जो एक्चुअली हार रहा है, तो आई थिंक पार्टी का
वो सब जो खराब कर दे रहे हैं। 5 साल तक ये बेस्ट ऑफ लक फॉर टाइम यू नो व्हेनेवर दे विल द अदर पार्टीज। क्या 10 महीने का मैंने ऑलमोस्ट 10 महीने इतना हुआ लो? हाँ 10 महीने का है। मैं बस टीम करता था स्प्लिट एंड का, बस उतना ही। पूरी 10 महीने की मेहनत नीचे पड़ी हुई है। ऐसे जितना भी मतलब यूज कर लो, ये वैक्स के अलावा जो है ना वो कैसे भी नहीं सेट होता। उसके बाद वो जो है कैसे भी इट विल जस्ट यू नो बिकम द नेचुरल बोन सैलून में एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू इट विल ऑलवेज बी गुड। इसलिए मैंने चाहिए वॉक्स, ये वाला वैक्स है वो, ये आई थॉट यू नो वुड बी द बेस्ट एक्चुअली वैक्स टू गो फॉर। ये मैंने खरीदा हुआ है, देखता है कुछ काम करता है कि नहीं। बट डू लेट मी नो कि हाउ आई लुकिंग विद दिस न्यू लुक इन द कमेंट्स बॉक्स राइट नाउ। सो अभी जो मैं हाथ धो के जो फ्रेश हो चुका हूँ, और आई थिंक बहुत अजीब लग रहा होगा बहुत आप जनों को जो आप मुझे देख रहे हो बहुत दिनों से बड़े बालों में। तो अभी जो है मैंने अभी नहा धो के आया, बिकॉज नहा धो के अभी मैंने बाल सेट करने गया, वही वाला जो मैंने खरीदा हुआ था विच इज दिस वन। बट सच में बताओ तो प्रॉब्ली आई डोंट नो हाउ टू यूज इट दैट वे, बिकॉज मैं कभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। मतलब शायद बहुत बचपन में कभी मैंने जेल यूज़ किया था एक दो बार, वो भी पापा से लेके। बट मैंने वैक्स या जेल जो है वैक्स यूज़ किया था मैंने हालांकि बीच में, बट अगेन बिकॉज वो एक ही बार था बहुत पहले, तो मुझे उतना पता नहीं कि एग्जैक्ट कैसे यूज़ करता था। मैं थोड़ा ज़्यादा शायद ले लिया था, तो मैं अभी जो है इसको यूज़ करने के बाद जो है ये इतना ज़्यादा जो है अभी मतलब सेट हो चुका है, मतलब हार्ड सेटिंग। तो मुझे पता नहीं ये बालों को बस कुछ हार्म ना करे। और जो है मुझे आज अभी जो है पैकिंग भी थोड़ा बहुत शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। फिर रात को फिर जा रहा हूँ मैं शो के लिए, वो है एनिमल का शो अगेन अंकुना और अरिजीत के साथ। तो इस सूटकेस निकाल के मुझे पैकिंग भी शुरू करना पड़ेगा। बट या मतलब पता नहीं क्यों, बट आई थिंक फॉर ऑब्वियस रीजन लग रहा है कि ऐसे बोझ हल्का हो गया पूरा जो है, बालों का पूरा वॉल्यूम जो है एकदम से चला गया ना, तो लग रहा है कि बोझ बहुत हल्का हो गया। एंड आई वाज यू नो जस्ट टेकिंग फ्यू पिक्चर्स एंड आई फाउंड दैट दिस स्टाइल एट लीस्ट लुकिंग रियली गुड। ऐसा स्टाइल मैंने पहले भी रखा था, बट आई थिंक दिस टाइम आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन प्रॉब्ली ज़्यादा ग्लो आया मुँह में, हालांकि डार्क सर्कल भी है, बट फॉर सम रीजन आई थिंक दिस इज एक्चुअली सूटिंग वेरी मच। तो आपको बताइए ना, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू एज वेल, कभी मुझे बताइए कि कैसा एग्जैक्टली लग रहा है। तब तक जो मैं पैकिंग स्टार्ट करता हूँ। और सबसे बड़ा बात यह है कि अभी तक जो है अरिजीत और अंकना किसी को भी पता नहीं है, मैं सिर्फ घर में एक्चुअली कुछ यू नो पिक्चर्स जो लिए थे सैलून पे ही, तो वो मैंने भेजा हुआ है, तो इन लोग का अभी पता नहीं है। तो देखूंगा कि उन लोग का क्या रिएक्शन रहता है जब यू नो हम लोग जाएंगे फिल्म के लिए। मेरा बताओ ना, मेरा तो ये है ना जो मैंने दोपहर में हम देखा, ये दाल चावल आलू फ्राई, अगर आलू का चोखा भी चलेगा, और एक पापड़ रोस्टेड। तो ये मेरा जो है कंफर्ट फूड है, आई एम श्योर कि सबका कुछ ना कुछ कंफर्ट फूड तो रहता है, जो कि यू नो किसी को फील होता है कि कुछ रहे ना रहे, सिर्फ अगर इतना मिले तो बहुत काफ़ी है। मेरे लिए ये कंफर्ट फूड है। कभी अगर ऐसा हुआ कि कोई एक वीक हुआ जहाँ पे बैक टू बैक बहुत दिनों जो है हेवी फूड कुछ खाया हुआ है, नॉन वेज जो भी हो खाया हुआ है, तो उसके बाद लगता है कि ये कम्फर्ट फूड खाए। कहीं से घूम के आना हो यू नो आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लॉन्ग ट्रिप, घूम के आए उसके बाद लगता है कि अरे ये मिल जाए बस काफ़ी है। तो आई एम श्योर आप सबका कोई एक ना एक तो कंफर्ट फूड रहेगा। अगर आपका कंफर्ट फूड ये नहीं है, कुछ और भी है, अगर ये भी है जो भी है कमेंट्स में मुझे लिख के डेफिनेटली बताएगा। आई वुड सो लाइक टू हियर इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ऑल सेट टू गो फॉर द फिल्म, और जाते जाते मुझे सडनली मुझे ये मिला, सुपर में पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि यार इसका
इसमें भी बाल एक चिक रहा है. एनीवे इसका फिर हेयर बैंड, ये जो है इसका काम तो अभी के लिए ख़त्म. वो वही एक्चुअली, तो ये सब चीज़ें जो भी है अभी तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा जब तक ना मैं फिर से बाल बढ़ाऊँ. तो इसको अभी फेंक देते हैं, फिर आके रखूँगा. अभी बस फेंक के रखाओ, पर अभी चलता हूँ फिल्म के लिए. एंड रजित और अंकर भी आ रहे हैं, तो विल गो टू नेक्सस मॉल. और शो है 11 बजे का, अभी ऑलमोस्ट 10:30 है, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो वी हैव टू रश. छोटे बाल नहीं है, सॉरी. लुकिंग लाइक अ वाव. ये सब देख के एक्चुअली चौक गए मेरे छोटे बाल देख. अरे ये भी चौक गया, वॉशरूम गया हुआ है. और हम लोग जो ऑन टाइम ही है, जस्ट दैट वी हैव टू वेट फॉर मे बी अनदर 10 मिनट्स के बाद जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी एक शो शायद चल रहा होगा. एंड लुक एट द क्राउड, इट्स ऑलरेडी फिल्ड. हाँ, वो एक्चुअली पिक्चर लेके मेरे छोटे बाल के भेज रहे हैं अरुण मंकर. ये आ गया अरिजीत. Really crowded, that one on a Sunday. इतना क्यों देखा ऐसे मूवी के लिए? कभी ऐसा क्यों देखा इतने मूवी के लिए? लास्ट एनी मूवी दैट यू रिमेम्बर? क्योंकि हम सब लोग जानवर हैं ना, इसलिए. लास्ट आई थिंक मैंने बाहुबली के टाइम देखा था इतना क्राउड, और तो अभी और कुछ मूवी रहेगा, बट इतना क्राउड मैंने ऐसे तीन तरीके मूवी देखने के लिए कभी देखा नहीं है. अगेन ऑन अ संडे दिस इज अमेजिंग. कंसिडरिंग ये मूवी जो है तेलुगु और हिंदी मूवी है, इस पर आई एम नॉट श्योर दोनों हैज गॉट दैट टिकट्स, वेदर इट्स अ तेलुगु मूवी और हिंदी मूवी. वेट, आई एम श्योर मैं देख लेता हूं. घर वापस आ चुका हूँ और मूवी देखने के बाद कुछ अलग ही, यू नो, आई थिंक नॉइस ट्रॉमा में चले गए थे हम सब लोग, बिकॉज इतना मारधार गोली एंड देन यू नो दोस लाउड डायलॉग डिलीवरीज एंड एवरीथिंग. तो बट एनी वे दैट इज दैट वॉज नॉट द प्रॉब्लम, बट या बहुत लाउड था इनसाइड द थिएटर. एंड स्पेशली वन यू वॉच विद सो मेनी पीपल एट टाइम्स, यू नो मासिक फिल्म लाइक दिस जहाँ पे सब जो है विसल करते हैं, you know, they shout and all. So overall the ambience was very energetic. But movie, agar main batau to, it is a movie with so many flaws. Not flaws in terms of the direction, but I think in terms of the storytelling and the narrative ho gaya and the character flaws and everything. But I think Sandeep Vanga Reddy, if I'm not pronouncing his name wrong, he has not trying to justify the flaws in the character of Ranbir Kapoor. बट आई थिंक मोस्टली जो था ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया कि नो यू गाइज डिसाइड के नो वेदर यू थिंक दिस इज राइट और नॉट. एनी वे ये वीडियो को एक्चुअली ज़्यादा बढ़ाता ना, वो जो है अभी ऑलरेडी रात हो चुका है, तो मैं आके जो है अभी एडिट करने का मुझे टाइम नहीं है, मैं वो कल करूँगा. वेदर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल नाउ. अगेन इफ यू हैव लाइक द वीडियो, और अगर ये पूरा व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए अगेन. एंड टुडे आई हैव टच्ड फाइनली द 900 सब्सक्रिप्शन, मतलब 900 सब्सक्राइबर्स मार्क, विच इज़ अ ह्यूज ह्यूज आई थिंक अचीवमेंट फॉर मी. आई नो प्रॉब्ली इट इज नॉट, बिकॉज यू गाइस बोलेंगे अरे यार इन लोगों का तो 1 मिलियन 2 मिलियन 100 के है ये 900 में, बट मेरे लिए दिस इज यू नो अ लॉट, बिकॉज नाउ इन द मंथ ऑफ डिसंबर एग्जैक्टली आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम started vlogging on 31st and I released the same on 1st Jan. तो 1st Jan से अभी तक जो है शुरू, मतलब अभी तक जो है till date 900 subscribers मैंने gain किया with I think around अगर shorts और video मिला गया I think 200 कुछ odd number में. मैं कल के vlog में बता रहा था कि expectation में बहुत ज़्यादा high नहीं रखना, एक certain level तक रखना है ताकि आपको वो ज़्यादा hurt ना करे, you know, जब आप वो अचीव ना भी कर पाओ, अगर कर पाओ तो you know it is मतलब एक्सीडिंगली वेल. तो मैं वही कोशिश करूंगा. सो अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज़ जो है वीडियो शेयर करो मेरे चैनल के बारे में, और कुछ लोग को बताओ, लेट देम आल्सो सब्सक्राइब इट. एंड या दैट्स इट, सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. दैट टाइम आई विल बी ट्रैवलिंग, सो बाय बाय एंड टिल देन.